एक हफ्ते से तकरीबन प्रॉब्लम लग रही थी यहाँ हमें पानी में ना, तो मेरे बेटे ने पिया तो पहले उसको स्टार्ट हो गई वॉमिटिंग, लूज मोशन, स्टमक पेन। पहले तो हमने लाइटली लिया, डॉक्टर से मेडिसिन ली, पर तो उन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, कि अगर आप बोल रहे हो कि ये नॉर्मल फूड खा रहा है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर मेरे मदर इन लॉ को, मेरे हस्बैंड को, अल्टीमेटली फिर आज मुझे भी, मैं जैसे ही स्कूल पहुंची मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। जैसे ही हम एक सिप पानी का पीते हैं स्टमक में पेन, लूज़ मोशन, ये सारी हमें प्रॉब्लम आ रही हैं। तो बेटे को भी ड्रिप लग चुकी है, सासू माँ भी काफ़ी मेरे सीरियस ही रहे इस पानी की वजह से ना। पानी तो साफ है ना, पानी देखने में ठीक आ रहा है। जब उसको बॉयल कर रहे थे तो उसके नीचे जैसे सिल्ट सी काफ़ी जमी हुई होती है। हम उसको बॉयल करके पीने की कोशिश कर रहे थे, चलो बॉयल करके पिए, पर फिर भी कोई उसका बेनिफिट नहीं हुआ। आज अल्टीमेटली मैं स्कूल गई और वहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब होने शुरू हो गई, तो इमीजिएटली मुझे फिर जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया और मुझे वापस भेजा। अभी भी मैं बहुत मुश्किल से आपको यहाँ पे खड़ी होकर इंटरव्यू दे रही हूँ। नहीं, हमारे घर में नहीं, पूरी कॉलोनी में, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्कूल के माउंट कार्मल के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जो कि स्कूल में नहीं आ रहे थे। इवन कि एग्ज़ाम डेज थे तो भी बच्चों को छुट्टी करनी पड़ी एग्ज़ाम की वजह से। इस बारे असी MC साहब ने भी असी अपने कंप्लेट की सी, JE साहब ने भी कंप्लीट की है। कंप्लेट पानी की प्रॉब्लम आ रही है, सारे जिन्हें भी साढ़े कॉलोनी के घर है जी, इस घर के सारे तकरीबन 25-30 घट्टो घट्ट घर है, और सारे घर में 3-3 4-4 मैंबर बीमार पे है जी, और इस बार सारे कंप्लीट करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया जी। तो अज असी मजबूरन अज मीडिया के भी असं कह रहे हैं, और असं JE साहब ने पहला किए, पर उन्होंने 2 दिन फोन करने के बावजूद भी साढ़े पर कोई इतने कोई एक्शन नहीं। पहले मेरी वड्डी बेटी पेट दर्द होया है, सर दर्द होया, उन्हें दवाई दवाई, उस तो बाद छोटी बेटी है उन्होंने एडमिट करना पै गया, एकदम वोमिटिंग, लूज मोशन, सर दर्द, पेट दर्द। अज मेरी मिसेज बीमार हैगी, हूँ छोटी बेटी तो हॉस्पिटल लैके जाना पे, ड्रिप लगाया, तो प्रेशर इन्ना घट है ना जी, पानी उपर नहीं चढ़ता जी। हूँ महकमा कह रहा कि सिर्फ 3 फुट तक पानी देना जी, जबकि साडा पहले उपर तक सीगा जी। सैटरडे ने पूरी टीम सवेरे इतने पुज गई, अज भी सारे नगर कौंसल के साडे सारे MME सारे अफसर साहबान सारे इतने पुजे मौके पर, तो हूँ भी वो सारे देख रहे हैं, सारा पटपटाई शुरू हो गई है और जल्द ये छेती तो छेती इहदा हल होगा। तो जब तक नहीं हुंदा हल, असी मनियादी भी हो रही जिदा कौंसल वालों तो कि पानी पिया ना जाए, यह वाला तो टैंकर लगे हुए है, तो साड़ी पूरी कोशिश है कि छेती तो छेती इस समस्या नू हल हो गए। पानी दे पीण दी समस्या दा मैनू अज सवेरे ही वार्ड नंबर 5 दे जिहड़े म्यूनसिपल कौंसलर ने साडे मनजीत कौर मट्टू जी का फोन आया सीगा सवेरे, भी इत्थे जिहड़ा हैगा कुछ घरां दे विच पानी खराब आ रहा, तो वह घर कुछ बंदे बीमार भी पै गए, जिहड़े दस्सिया गया 2-4 शायद घर ने। मैं उस वेले जिहड़ा हैगा अपने संबंधित अफसर नाल गल करके उत्थे पूरी टीम जिहड़ी हैगी इत्थे लगाई है, तुसीं देखदे हो काम चालू है, तो जदों भी जिहड़ा हैगा इहदी कोई रिपोर्ट हुण आपां जल्द तो जल्दी नूं जिहड़ा नुक्स है इत्थे जां कोई भी आया उहदे च टीम लगी है, जल्द पता लग जाएगा भी क्या कारण होया कि जिहड़ा पानी गंदा आया। जद तों बाद जद तक हल नहीं हुंदा, उस तों बाद जद तक हल नहीं हुंदा, असीं जिहड़ा हैगा इह जिन्नी देर तक हल नहीं हुंदा असी जिहड़ा हैगा अपने स्टील दे टैंकर पानी दे सप्लाई ते लगा दिते है, और असी एक अपने 3-व्हीलर राही मनियादी भी कराई है ये लाइनां दे विच भी अपना जिहड़ा पीण दा पानी हजे वरतों ना कीता जावे, जब तक इहदी रिपोर्ट असी लैब च भेजी है, रिपोर्ट ठीक ना होवे उदों तक इन्हां नूं बेनती कीती है घरां नूं कि ये पानी जिहड़ा हैगा तुसीं पीण च ना वरतों कीते।